गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। नेड स्टार्क फाइनली पहुंच चुका है किंग्स लैंडिंग, और किंग्स लैंडिंग की धरती पर कदम रखते ही उसे बुलावा आता है ग्रैंड मास्टर पाइसिल का। नेड स्टार्क को स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में बुलाया जा रहा है। यहां पर आपको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे जो नेड स्टार्क से मिलते हैं। सबसे पहले रेनली बराथियन। रेनली बराथियन रॉबर्ट बराथियन का सबसे छोटा भाई है। रॉबर्ट बराथियन के एक्चुअली दो भाई हैं, स्टानिस बराथियन और रेनली बराथियन। स्टानिस के बारे में स्टोरी में आगे पता चलेगा, फिलहाल आपको रेनली से काम चलाना पड़ेगा। तो ये सबसे छोटा भाई है और साथ ही स्मॉल काउंसिल का हिस्सा है। स्मॉल काउंसिल आप समझ लीजिए कि राजा के कुछ मंत्री हैं जो मिलजुल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हैं। रेनली के साथ साथ स्मॉल काउंसिल का हिस्सा है लॉर्ड वेरिस, पीटर बेलिश जिसे लिटिल फिंगर भी कहा जाता है, ग्रैंड मिस्टर पाइसिल और अब नेड स्टार्क। पीटर बेलिश का काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट देखना। इनका ओहदा कहलाता है मास्टर ऑफ कॉइन्स। बेसिकली किंगडम में जो खर्च होना है, कहाँ पे कितना पैसा लगना है, कब किससे उधार लेना है, कब किसका उधार चुकाना है, ये सब कुछ पीटर बेलिश के ही कंधों पर है। लॉर्ड वेरिस ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है अपने आप में अकेले। अलग अलग जगहों पे इनके सूत्र हैं जो फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, वेस्टरॉस के पार भी, एसोस में भी इनके सूत्र फैले हुए हैं जो इनको जानकारी देते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और लॉर्ड वेरिस ये इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं राजा के पास, जिसके बाद राजा डिसाइड करता है कि किस जानकारी का क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। ग्रैंड मिस्टर पाइसिल क्योंकि मेस्टर हैं तो उनका काम है खत लिखना, जो खत आते हैं अलग अलग किंगडम्स से उनको राजा तक पहुंचाना, राजा को बताना, और अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे ट्रीट करना। अगर राजा की तबीयत खराब है, अगर रानी की तबीयत खराब है, या किसी का कुछ भी फिजिकल इशू है, तो ग्रैंड मिस्टर पाइसिल के पास ही उसका सलूशन होता है। ये सब मिलके नेड स्टार्क को बताते हैं कि राजा चाहते हैं नेड स्टार्क के हैंड ऑफ द किंग बनने की खुशी में एक टर्नी रखी जाए, जहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा, तलवारबाजी होगी। साथ ही पीटर बेलिश नेड स्टार्क को जानकारी देते हैं कि किंगडम ऑलरेडी उधार में चल रहा है, हमारे ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारा कर्जा है, कुछ 3 मिलियन के करीब कर्जा है, और कर्जा ले लूँगा मैं टर्नी के लिए, कोई बात नहीं। नेड स्टार्क बोलते हैं कि तुम मास्टर ऑफ कॉइन हो, तुम इस तरह के फैसले कैसे ले सकते हो, तुम्हें राजा को समझाना चाहिए अगर हम उधार में चल रहे हैं। ऐसे में रेनली बताता है नेड स्टार्क को कि राजा का जो मन करता है वो वही करते हैं, उनको जो खुशी मिलती है जिस चीज़ को करने में वो वही करते हैं। नेड स्टार्क कहते हैं कि फिलहाल इस टर्नी को तुम किनारे रखो और मैं इसका ऑर्डर नहीं दे सकता कि इस तरह का कोई भी फालतू खर्चा किया जाएगा जब हम ऑलरेडी इतना उधार में चल रहे हैं। तो अगला सीन होता है सर्सी और जॉफरी के बीच। आपको याद होगा कि जॉफरी का हाथ काटा था नाइमीरिया ने, और सर्सी इसी चोट के ऊपर मलहम पट्टी कर रही है। साथ ही साथ वो उसको इन्फॉर्मेशन भी दे रही है, जानकारी भी दे रही है, कह सकते हैं कि ज्ञान दे रही है कि किस तरह से आगे फ्यूचर में जब तुम किंग बनोगे तो डिसीजंस लेना, फैसले लेना। जॉफरी कहता है कि हम स्टार्क्स को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं, अलग अलग किंगडम्स के पास उनकी अपनी अलग अलग आर्मी क्यों है, सिर्फ एक आर्मी होनी चाहिए जो राजा के पास हो। सर्सी जॉफरी को समझाने की कोशिश करती है कि क्योंकि नॉर्दर्न एरिया जो है वो बहुत वाइल्ड है, तो उसे संभालना राजा के अकेले के बस की बात नहीं है, और इसीलिए ज़रूरत पड़ती है वार्डन ऑफ द नॉर्थ की, जो फिलहाल नेड स्टार्क हैं। सर्सी जॉफरी को कहती है कि तुम्हें सैंसा को कुछ गिफ्ट देना चाहिए और उसके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहिए। जॉफरी कहता है कि क्या ज़रूरी है मुझे सैंसा से शादी करनी पड़े। सर्सी जॉफरी को समझाती है कि अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। तुम अगर उसकी शक्ल ज़िंदगी भर नहीं भी देखना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम राजा हो गए, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। बेसिकली सर्सी जॉफरी को कुछ अच्छी बातें नहीं सिखा रही है, वो सिर्फ ये सिखा रही है कि तुम ज़्यादा क्रूअल राजा कैसे बन सकते हो, ज़्यादा सेल्फिश राजा कैसे बन सकते हो। आगे ये चीज़ें सर्सी पे खुद भारी पड़ने वाली हैं। एपिसोड में आगे हम पहुँचते हैं सैंसा और आर्या के पास। यह आर्या सैंसा से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आर्या का दोस्त माइका आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में आर्या जिसके साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, जॉफरी के कहने पर हाउंड ने उसको मार डाला, उस बच्चे को मार डाला गया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किंग्स लैंडिंग में जो लोग हैं, जॉफरी, सर्सी, ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, और ये सिर्फ अपनी ईगो के लिए किसी को भी मार सकते हैं। आर्या इस बात पे बहुत गुस्सा है और वो सैंसा से नाराज़ है कि अगर तुम झूठी गवाही नहीं देती तो शायद आज लेडी भी ज़िंदा होती और शायद आज माइका भी ज़िंदा होता।
नेड स्टार्क को अंदाजा होता है कि आर्या और सांसा के बीच रिश्ते कुछ बिगड़ रहे हैं। वो आर्या के पास जाता है और आर्या को समझाने की कोशिश करता है कि अब हम एक नई जगह पर आए हैं, हम विंटरफेल में नहीं हैं। तुम दोनों बहनें अगर मिलके रहोगी तो हम मजबूत रहेंगे, हम मजबूती से सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। आर्या नेड स्टार्क को कहती है कि तुम जॉफरी जैसे आदमी से सांसा की शादी क्यों कर रहे हो पापा। नेड स्टार्क आर्या को समझाता है कि आगे चलकर तुम्हारी भी शादी होगी, तो आर्या कहती है कि मुझे शादीवादी करने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तलवारबाजी करनी है। आर्या नेट को कहती है कि उसे बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्त की जान चली गई। वो नेट को बताती है कि मायका को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए आर्या ने ही फोर्स किया था। नेट उसे कहता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है और तलवारबाजी का कुछ किया जाएगा। नैरोसी वार करके हम पहुंच चुके हैं एसोस डॉर्थराकी सी में। डिनेरियस और खाल ड्रोगो का रिश्ता बेहतर हो रहा है दिन ब दिन। डिनेरियस वक्त के साथ साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो रही है। एक सीन होता है जब डिनेरियस पूरे के पूरे खालासार के साथ कहीं जा रही होती है और वो एकदम से सबको रुकने के लिए कहती है, उतरती है और झाड़ियों में घूमने के लिए चली जाती है। डिनेरियस का भाई विसरिस एकदम से पीछे से आता है और डिनेरियस पे हाथ उठाता है। वो उसको धमकाता है कि मैं राजा हूँ, तुम्हारे ऑर्डर पे मैं चलूंगा और रुकूंगा नहीं। विसरिस की ये हरकत खालासार के बाकी लोग देख लेते हैं और विसरिस को उसकी औकात याद दिलाई जाती है कि वो कुछ भी नहीं है और डिनेरियस उनकी खलीसी है, उनकी क्वीन है। बेसिकली विसरिस का जो दांव था वो उल्टा पड़ चुका है। विसरिस ने सोचा था कि वो खाल ड्रोगो से अपनी बहन की शादी कर देगा और उसके बाद उसे 50,000 के करीब आर्मी मैन मिल जाएंगे और वो अटैक करेगा वेस्टेरोस पे और राजा बन जाएगा। बट चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। डिनेरियस की शादी हो चुकी है खाल ड्रोगो से और डिनेरियस कोई बेवकूफ़ बच्ची नहीं है। डिनेरियस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर चुकी है। अब वो उस खालासार की खलीसी है, वो जो चाहेगी वही होगा और उसको अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। डिनेरियस के कहने पे विसरिस को छोड़ा जाता है और उससे उसका घोड़ा भी छीन लिया जाता है। इसके बाद पता चलता है कि डिनेरियस प्रेग्नेंट हो गई है। इट मीन्स मोर पावर टू हर। अब वो खाल ड्रोगो के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब उसका ओहदा और बढ़ गया है। अब खाल के लोग, खालासार के लोग उसके और ज़्यादा करीब हो गए हैं, उसकी और ज़्यादा इज्जत करते हैं। जोरा मॉर्मोंट को पता चलता है कि डिनेरियस प्रेग्नेंट हो चुकी है। जोरा मॉर्मोंट लॉर्ड वेरिस का स्पाई है। लॉर्ड वेरिस ने जोरा मॉर्मोंट के सामने एक प्रपोजल रखा है, तुम एग्जाइल्ड हो, तुम्हें एसोस में रहने के लिए मजबूरी है, अगर तुम वापस वेस्टरॉस आना चाहते हो तो हमें डिनेरियस से जुड़ी जानकारियां देते रहो और एक वक्त के बाद हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम्हारी स्लेवरी वाली जो हरकत थी उसके लिए तुम्हें बख्श दिया जाएगा, तुम्हारे सर पे जो सज़ा थी उसे हटा लिया जाएगा और फिर जोरा मॉर्मोंट के पास ऑप्शन होगा वेस्टरॉस वापस आने का। तो भले ही वो डिनेरियस का दोस्त है मगर पीठ पीछे वो स्पाई भी है, जासूस भी है। अब चलते हैं वॉल की तरफ। यहाँ जॉन स्नो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है मगर क्योंकि वो तलवारबाजी में एक्सपर्ट है तो उसे अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिल रहा है। जैसे ही वो किसी के सामने वन ऑन वन आता है उसे चित कर देता है। टीरियन ये बात देखता है और जॉन स्नो को अकेले में समझाने की कोशिश करता है कि जिन लोगों के साथ तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें हरा सकते हैं या तुम उनके साथ अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कहीं से सीख कर नहीं आए हैं तलवारबाजी, उनको मौका नहीं मिला, उनके पास सर रॉड्रिक जैसा कोई शख्स नहीं था जो उन्हें सिखाए कि तलवार कैसे चलानी है, लड़ाई कैसे लड़नी है। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो कि छोटी से छोटी बात की वजह से नाइट्स वॉच में शामिल हो गए हैं। जॉन को ये बात समझ में आती है और वो अपना अप्रोच चेंज करता है। जिन लोगों से वो पहले कॉम्पिटिशन कर रहा था अब वो उनका दोस्त बन रहा है और उनको सिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से वो खुद तलवार चलाता है वो कोशिश कर रहा है कि बाकी लोग भी उसी की तरह तलवार चला सकें। टीरियन काफ़ी समझदार इंसान है और शायद उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा है लोगों पर, मगर बेंजिन स्टार्क टीरियन को पसंद नहीं करता। वॉल पर ही बेंजिन स्टार्क, नेड स्टार्क का छोटा भाई, जॉन स्नो का चाचा, टीरियन को कहता है कि हम वॉल पर तैनात हैं तभी तुम जैसे लोग आराम से सो पा रहे हो अपने अपने महलों में बैठकर।
टीरियन कहता है कि भाई मैं बहुत इज्जत करता हूँ नाइट्स वॉच की, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वाइट वॉकर जैसी कोई चीज़ है बियॉन्ड द वॉल, तो तुम लोग मेरे हिसाब से तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर बैठकर। बेंजन स्टाफ टीरियन को कहता है कि जब तुम बियॉन्ड द वॉल कभी गए नहीं हो तो तुम उस बारे में कोई ओपिनियन मत दो। टीरियन योरन से मिलता है। योरन एक कैरेक्टर है जो नाइट्स वॉच का ही हिस्सा है और वो फिलहाल किंग्स लैंडिंग जाने वाला है। किंग्स लैंडिंग से वो कुछ नए रिक्रूट्स को लेकर आने वाला है वहाँ के जेलों से उठाकर। टीरियन योरन को कहता है कि ठीक है, अगर तुम किंग्स लैंडिंग जा ही रहे हो तो मुझे भी उधर ही जाना है, साथ में कंपनी हो जाएगी, साथ में ही चलते हैं। वहीं बेंजन जाने वाला है बियॉन्ड द वॉल। बेंजन जाने से पहले जॉन स्नो से मिलता है और जॉन स्नो को बताता है कि कुछ दिनों के बाद अब दोनों की मुलाकात होगी। जॉन स्नो कहता है बेंजन को कि मैं भी साथ में चलना चाहता हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़ाका हूँ और मैं तुम्हारे काम आऊँगा बियॉन्ड द वॉल। बट बेंजन कहता है कि ये नाइट्स वॉच है, सिर्फ तुम मेरे भतीजे हो, इस बेसिस पे तुम रेंजर नहीं बन जाओगे, तुम्हें यहाँ पर अपनी जगह खुद कमानी पड़ेगी। जॉन स्नो को ये बात समझ में आती है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। वॉल पर आपको दो और कैरेक्टर्स मिलेंगे, ज्योर मॉर्मोंट और मिस्टर एमन। मिस्टर एमन एक टारगेरियन है मगर उनको राजपाट से ज्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई में, वो स्कॉलर बनना चाहते थे, मिस्टर बनना चाहते थे। वहीं ज्योर मॉर्मोंट जोरा मॉर्मोंट के पिता हैं, वही ज्योरा मॉर्मोंट जो अभी डिनेरियस की जासूसी कर रहा है। ये दोनों मिलकर टीरियन को बताते हैं कि किस तरह से उनके पास बहुत कम लोग हैं और विंटर्स बहुत करीब हैं, उनको ज़रूरत है और लोगों की जो नाइट्स वॉच में शामिल हों जो वॉल को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम क्वीन के भाई हो, क्वीन की बगल में बैठते हो, अगर तुम चाहोगे, अगर तुम उसके कान में ये बात डालोगे तो तुम्हारी डंजन्स में, तुम्हारी जेलों में जो लोग बंद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्स वॉच में आ सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। टीरियन कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मगर फिर भी मेरे हिसाब से टीरियन को अभी तक यकीन नहीं है कि वाइट वॉकर्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। विंटरफेल में ब्रैन स्टार्क की आंखें खुल चुकी हैं, वो कोमा से जाग चुका है, मगर अफसोस की बात यह है ब्रैन को याद नहीं कि हुआ क्या था। उसकी याददाश्त नहीं गई है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये सिचुएशन नहीं है। उसे सिर्फ इतना याद नहीं है कि उसे धक्का किसने मारा था टावर के ऊपर से या फिर उसका पैर फिसला था, उसे इस बात से जुड़ा कुछ भी याद नहीं है। वो सारा वक्त अपने बिस्तर पर लेटा रहता है और ओल्ड नैन से कहानियां सुनता रहता है। ओल्ड नैन विंटरफेल की दाई है, वो सारे बच्चों का ख्याल रखती है। वो बताती है कि आज से सदियों पहले जब बर्फ गिरने लगी थी, जब सर्दियां आने लगी थी, तब वाइट वॉकर्स आए थे और उस वक्त माएँ अपने बच्चों को मार देती थी कि बच्चे को कहीं भूख से तड़पना ना पड़े, भूख से ना मरना पड़े। लोग जब रोते थे तो उनके आंसू जम जाते थे, बर्फ बन जाते थे और वाइट वॉकर्स आके खात्मा कर रहे थे लोगों का। ब्रैन को ऐसी ही कहानियां पसंद आती हैं, वाइट वॉकर्स की कहानियां। ओके, तो रॉब स्टार्क यानी कि नेट स्टार्क का सबसे बड़ा बेटा ब्रैन को समझाने की कोशिश करता है कि सारे वक्त इस तरह से कमरे में पड़े पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, तुम अपना मूड ठीक करो। ब्रैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब मैं कभी चल नहीं सकता, मुझे मिस्टर ने बताया है कि अब मेरे पैर काम नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन है ये, क्योंकि वो प्यारा सा बच्चा जो उछल कूद कर रहा था फर्स्ट एपिसोड में, अब वो अपने कमरे से निकलना भी नहीं चाहता है। वापस पहुंचते हैं हम किंग्स लैंडिंग में, जहां पर कैटलिन स्टार्क पहुंच चुकी है। कैटलिन स्टार्क के पास वो खंजर है जिससे ब्रैन को मारने की कोशिश की गई थी। कैटलिन को लिटिल फिंगर का बुलावा आता है और वो जाती है एक ब्रॉथल में। वो लिटिल फिंगर को देखती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम मुझे ऐसे ब्रॉथल में कैसे बुला सकते हो, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है। लिटिल फिंगर उसको कहता है कि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, वरना लोगों को पता चल जाता कि तुम किंग्स लैंडिंग आई हुई हो, लैनिस्टर्स को अगर मालूम होता तो वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाना शुरू कर देंगे और बचने की तरकीबें निकालने लगेंगे। वहीं पर लिटिल फिंगर नेट स्टार्क को बुलाता है और कैटलिन और नेट की मुलाकात होती है। कैटलिन नेट को वो खंजर दिखाती है जिससे ब्रैन पर अटैक किया गया था। लिटिल फिंगर कहता है कि ये खंजर मेरा है, मगर मैं ये खंजर एक शर्त के दौरान टीरियन लैनिस्टर से हार गया था और उसके बाद से ये खंजर पहुंच गया था टीरियन लैनिस्टर के पास। तो बेसिकली शक की सुई अब जाती है टीरियन लैनिस्टर पर।
अभी तक सिर्फ लैनिस्टर्स के बारे में बात हो रही थी कि लैनिस्टर्स ने ब्रैन को मारने की कोशिश की है, लेकिन अब सीधा सीधा टीरियन लैनिस्टर को पॉइंट आउट किया जा रहा है। कैटलिन नेट को कहती है कि लिटिल फिंगर अगर ऐसा कह रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सच ही कह रहा होगा। वो मेरे छोटे भाई जैसा है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी देनी जरूरी है कैटलिन और पीटर बेलिश के रिश्ते के बारे में। कैटलिन हाउस टली से आती है। कैटलिन का बचपन पीटर बेलिश और लाइसा के साथ बीता है। लाइसा तो कैटलिन की बहन है, मगर पीटर बेलिश कैटलिन और लाइसा के पिता का वार्ड था। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में अगर किसी को अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, दुनियादारी सिखानी है, तो वो उसको स्कूल या कॉलेज नहीं भेजते, बल्कि वो उसको भेजते हैं वार्ड बनाने के लिए किसी बड़े घराने के लॉर्ड के पास। यानी कि अगर कोई बड़ा लॉर्ड है तो कोई दूसरा छोटा लॉर्ड अपने बच्चों को उसके पास भेजेगा और वो सालों तक उनका बच्चा जो है वो उस लॉर्ड की देखरेख में ही रहेगा, वहीं पर दुनियादारी सीखेगा, तलवार चलाना सीखेगा और दूसरी चीज़ें। कैटलिन और पीटर बेलिश का बचपन साथ में बीता है। पीटर बेलिश कैटलिन को प्यार करता था एक ज़माने में, वो कैटलिन से शादी करना चाहता था, लेकिन कैटलिन का रिश्ता तय था ब्रैंडन स्टार्क से। ब्रैंडन स्टार्क नेट स्टार्क का बड़ा भाई था जिसकी मौत हो गई। उस वक्त पीटर बेलिश ने ब्रैंडन स्टार्क को ललकारा था बेसिकली तलवारबाजी के कॉम्पिटिशन में, और जिसमें पीटर हार गया था और उसने ये राइट भी खो दिया था कि वो कैटलिन को अप्रोच करे शादी के लिए। ओके, खैर वापस आते हैं इस सीन पर। तो पीटर बेलिश के दिल में आज भी फीलिंग्स है कैटलिन के लिए, मगर कैटलिन समझती है कि पीटर बेलिश उसका छोटा भाई है। नेट स्टार्क कैटलिन को अकेले में ये बात कहता भी है कि मुझे लगता है कि पीटर तुम्हें आज भी प्यार करता है। कैटलिन इस बात को ज़्यादा भाव नहीं देती, वो बस इतना कहती है कि मुझे भरोसा है पीटर पर और हमें अभी फिलहाल लैनिस्टर्स के सामने ये खंजर नहीं रखना चाहिए, हमें उनको कन्फ्रंट अभी नहीं करना चाहिए, हमें अभी और सबूत जुटाने की ज़रूरत है और तब हम राजा के पास जा सकते हैं, तब रॉबर्ट हमारे फेवर में डिसीजन लेगा कि लैनिस्टर्स ने ब्रैन को मारने की कोशिश क्यों की और क्या लैनिस्टर्स ने प्रीवियस हैंड ऑफ द किंग लॉर्ड एरन को भी मारा था। कैटलिन अल्टीमेटली नेट स्टार्क को अलविदा कह के वापस चली जाती है विंटरफेल। नेट स्टार्क अपनी दोनों बेटियों के साथ किंग्स लैंडिंग में फिर से अकेले। एक और सीन होता है किंग रॉबर्ट बेराथियन का। यहाँ पर वो लैंसल लैनिस्टर का मजाक उड़ा रहे हैं। लैंसल लैनिस्टर लैनिस्टर फैमिली का ही एक शख्स है, वो जेमी सर्सी और टीरियन का कजन है और साथ ही साथ वो राजा के खाने पीने का ख्याल रखता है। रॉबर्ट ने खूब सारी शराब पी रखी है, वो बातचीत के मूड में है। वो जेमी को बुलाता है और उसे पूछता है कि मैट किंग ने मरने से पहले क्या कहा था। जेमी कहता है वो यही कह रहा था जो वो घंटों से कह रहा था, बर्न देम ऑल, यानी सबको जला दो। जेमी लैनिस्टर की ज़्यादा लोग इज्जत नहीं करते हैं, उसको किंग स्लेयर के नाम से बुलाया जाता है। हालांकि जिस किंग को उसने मारा था वो किंग बहुत क्रूअल था और उसने लोगों को जिंदा जलाया हुआ था, मगर फिर भी लोग इसको इज्जत की नज़र से नहीं देखते क्योंकि ये वो ज़माना है जब आपकी ओथ आपकी कसम बहुत मायने रखती है और जेमी लैनिस्टर मैड किंग का रक्षक था। रक्षक होने के लिए आप कसम खाते हैं कि मैं ज़िंदगी भर इस शख्स की रक्षा करूँगा, उसके बावजूद अगर आपने उसी शख्स को मार दिया है तो आपकी इज्जत नहीं की जाएगी वेस्टरॉसी दुनिया में। एपिसोड की एंडिंग होती है आर्या पर। आर्या किंग्स लैंडिंग में एक छोटी सी जगह पर जाती है जहाँ उसे नेट स्टार्क ने भेजा है। यहाँ पर आर्या को रियलाइज़ होता है कि उसे फाइनली तलवारबाजी की ट्रेनिंग मिलने वाली है। यानी कि जब उसने अपने पिता को कहा था कि वो तलवारबाजी सीखना चाहती है तो उसके पिता ने उसकी बात को सीरियसली लिया। आर्या के ट्रेनर का नाम है सीरियो फरेल। सीरियो फरेल एसोस की एक छोटी सी सिटी से आता है जिसका नाम है ब्रावोस। अब एक एक्सपर्ट आर्या को तलवारबाजी सिखाने वाला है। नेट स्टार्क आर्या को ट्रेनिंग लेते हुए देखता है और खुश होता है कि किस तरह से वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सब कुछ सीख रही है। एपिसोड ख़त्म होता है। नेट स्टार्क मुस्कुरा रहा होता है मगर साथ ही साथ तलवारों की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 3। आगे क्या होगा? सैंसा और जॉफरी का रिश्ता क्या बेहतर होगा? आर्या अपनी ट्रेनिंग में कितना आगे बढ़ेगी? जॉन स्नो वॉल पर और क्या करेगा? उसके दोस्त जो हैं
वो उसके किस तरह से काम आएंगे या उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। नेड स्टार्क का अगला दांव क्या होगा? वो लैनिस्टर्स के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा करने की फिराक में है, कैसे होगा ये सब कुछ? डेनेरियस जो प्रेग्नेंट है, उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है? वेसरिस कब तक चुप रहेगा? ये सब जानने के लिए आप देखिए मेरा अगला एपिसोड, या फिर आप गेम ऑफ थ्रोन्स का भी नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आए तो वॉच रोज तो है ही। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट से मुझे वाकई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं एक ऐसा भी वीडियो अलग से बना सकती हूँ जिसमें आपके उन सवालों के जवाब दूंगी। ओके, टाटा।